एक जुलाई से पूरे देश के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने जा रहा है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक महीने पहले 1 जून से ही दिल्ली सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की शुरुआत की है। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन होने से दो तरह के चैलेंज आने वाले हैं। पहला कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रोडक्शन में, उसकी सप्लाई में, उसकी बिक्री में जितने लोग लगे हुए हैं उनके सामने, इंडस्ट्री के सामने, वर्कर के सामने एक नया चैलेंज खड़ा होगा। दूसरा, जितने बड़े पैमाने पर हम सब लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं उसका अल्टरनेट कैसे मिलेगा, इन्हीं दो बिंदुओं को लेकर के आज अलग अलग विभागों के साथ इसके समाधान के लिए अलग अलग जो स्टार्टअप जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके साथ ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिससे कि इसके समाधान की तरफ हम लोग बढ़ सकें। आज हमने यहाँ पर स्टॉल भी लगवाए, लगभग 17 ऐसे स्टार्टअप या ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के जो उपयोगी सामान हैं उनका विकल्प क्या हो सकता है उसको प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको कैसे प्रमोट किया जाए, विकसित किया जाए, इसके लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पहला हमने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर जून के महीने में एक स्टेट लेवल का एक वीकली मेला जो है सिंगल यूज प्लास्टिक के अल्टरनेट के जो प्रोडक्ट हैं उसको मेले का आयोजन सरकार जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के करेगी, जहाँ पर इस तरह के प्रोडक्ट रखे जाएंगे और उसको प्रचारित किया जाएगा जिससे कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो सकें। दूसरा, जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे पुराने और नए, या जो लोग सिंगल यूज प्लास्टिक के उसमें काम कर रहे थे, अभी सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है उसके तहत क्या क्या सुविधा उनको मिल सकती है, इस तरह के फील्ड में लगे हुए लोगों को स्पेशल प्रेजेंटेशन दिया जाएगा जिससे कि वो इसका लाभ उठा करके और नए फील्ड में नए प्रोडक्शंस की तरफ जो है वो बढ़ सकें। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर आज एमसीडी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे दिल्ली के अंदर अलग अलग मार्केट में जो जो दुकानें सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री करती हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए जिससे कि भविष्य में इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट हैं, उनको उनके साथ जो है वो टाई अप किया जा सके। तो इस तरह से छोटे छोटे आउटलेट लगाने का काम चल रहा है, उसका एक डिटेल जो है सरकार तैयार करने का हमने निर्देश दिया है सभी एमसीडी को, जिससे कि एक सामूहिक रूप से हम मिल करके जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उससे जो पर्यावरण पे खतरा है उससे दिल्ली को बचा सकें और साथ ही साथ नया मार्केट और नया विकल्प के रूप में लोगों को दिक्कत ना हो उसका भी समाधान निकाल सकें। तो इस पर्पस को लेकर के आज ये शुरुआत हुई है और हमें भरोसा है कि और आगे मिल करके लोगों के साथ इसका हम और समाधान